के आर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। इसमें एक काम करते हैं, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए। जो बच्चे नए हैं उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे और जो पुराने हैं उनको एक तरह से यह रिवीजन हो जाएगा। तो ये है आपका रिविजनरी एक तरह से वीडियो, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इंक्लूडेड होंगे, इतना सारा इंक्लूडेड होंगे कॉन्सेप्ट। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से देखिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। सो, एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी नोट नहीं करता, इसको मैं आपको पॉइंट वाइज बताते चलता हूँ और यहाँ पर आपको डिजिटली शो करेगा, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमारा मीनिंग ऑफ पार्टनर्स, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है वो हम बताएंगे आपको पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसके फीचर के बारे में, तो जो इसका एसेंशियल एलिमेंट था वही इसका फीचर होगा। वैसे मैं आपको पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बताता हूँ कि पार्टनरशिप किया क्यों जाता है, पार्टनरशिप का जो ये पूरा का पूरा बिजनेस होता है वो क्यों किया जाता है। देखिए, जब आपका बिजनेस आगे बढ़ने लगेगा, जब आप अकेला बिजनेस नहीं कर सकते हैं, जब आपका सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो जब आपका आगे रन करता है, तो फिर आप पार्टनरशिप में एंगेज होते हैं। पार्टनरशिप में अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, अलग अलग पार्टनर्स के अलग अलग कैपेसिटी होते हैं, वो उनकी कार्य क्षमता अलग अलग होती है, वो फर्म में इन्वेस्ट अलग अलग करते हैं। ऐसे करके फर्म की ताकत क्या होती है, मजबूती बढ़ती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एमोंग पर्संस कैरिंग ऑन बिजनेस इन कॉमन विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए कि पार्टनरशिप बनाना आसान होता है, अलग अलग लोगों को हम जोड़ सके, उनके जो टैलेंट हैं उनके स्किल को हम सामने ला सकें और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, ये विजन होता है एक पार्टनरशिप का। ये आपको ज़्यादा कैपिटल प्रोवाइड करता है सिंगल के अपेक्षा। जब आप अकेले होते हैं तो कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जब आपके साथ अलग अलग लोग आ जाएंगे बिजनेस करने के लिए, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल है, वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये समझिए कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोग पार्टनरशिप में इंगेज होते हैं। सो एज अर्लियर आई सेड कि पार्टनरशिप पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। पार्टनरशिप पर कौन सी एक्ट लागू होता है, पार्टनरशिप 1932, ठीक है। और मैंने इसके सेक्शन 4 के बारे में भी बताया था कि द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये चीजें मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसके लिए पार्टनरशिप का उत्थान होता है। इसका एसेंशियल एलिमेंट मैंने आपको बताया था कि ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में। क्या बताया था कि इसका एक एग्रीमेंट होना चाहिए दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में। ये एग्रीमेंट प्रॉफिट और लॉस को ध्यान में रखकर, यानी कि इसको शेयर करेंगे हम, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ऑफ द बिजनेस। तीसरा पॉइंट क्या था कि बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तीन पॉइंट, ठीक, ये तीन पॉइंट जो अभी हमने आपको बताया, ये चीजें इसका एसेंशियल एलिमेंट होता है। याद रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज एसेंशियल्स ए पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म। पार्टनरशिप तो साहब बना ही नहीं जा सकते हैं अगर इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो, ठीक है सर। फीचर क्या होगा, फीचर भी यही कुछ होगा, यही बताता है फीचर में भी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए एक पार्टनरशिप के लिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 20 व्यक्ति से ज्यादा नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप में, और अगर बैंकिंग बिजनेस हो तो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो इल्लीगल घोषित कर दिया जाता है। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में आएंगे उनके माइंड में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि वो
पार्टनरशिप के हिसाब से जो रूल्स होंगे उनको फॉलो उनको करना पड़ेगा। वो पक्का पक्का एग्री होना चाहिए कि वो प्रॉफिट और लॉस को, बिजनेस के जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं उसको आपस में क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने कहा ना जो इसके एसेंशियल एलिमेंट होते हैं यही इनके फीचर भी होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स मस्ट बी अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर LLP हो जाएगा। ये भी चीज हमने आपको बताया था। ठीक है, इन द आईज ऑफ द लॉ पार्टनर्स एंड द फॉर्म आर नॉट सेपरेट एंटिटीज। मैंने इस पर बहस भी किया था कि लॉ कहता है कि पार्टनर्स और उनके एंटिटीज अलग अलग नहीं है, परंतु अकाउंट क्या कहता है कि हम बिजनेस को और पार्टनर को क्या कहते हैं, अलग अलग मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको फीचर ऑफ पार्टनरशिप में बताया। और इसके बाद आता है पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड? सर, पार्टनरशिप डीड जो होता है इसमें सारा चीजें लिखा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी चीजें कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उसमें सारा चीजें गुजरना पड़ता है। तो द फॉर्म्स नेम होता है, एक तरह से समझिए तो पार्टनर का नेम होता है, पार्टनर का जो नाम होता है वो लिखा होता है। द नेम ऑफ द फॉर्म मैंने बताया आपको, ठीक है, जिसके बेसिस पर आप काम करेंगे, किस हिसाब का बिजनेस आप कर रहे हैं वो चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, पावर क्या है पार्टनर के, उनके ड्यूटीज क्या है, ये सारी चीजें उस पर क्या होता है, लिखना होता है। ठीक है, जब जब कोई पार्टनरशिप खत्म होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें भी उसमें लिखा होता है कि कितने दिनों के बाद पार्टनरशिप खत्म करने हैं। ठीक है, कैपिटल कौन कितना लाएगा, कोई कोई व्यक्ति कोई पार्टनर कौन से काम करेंगे कौन नहीं करेंगे, किस हिसाब से प्रॉफिट और लॉस बांटा जाएगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें एक एक करके क्या होता है, लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा। मैंने आपको इसी पे बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं भी दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं भी कुछ कह रहा है ना, पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। ठीक है, इसकी प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया हुआ है। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एंड आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर यू इन दैट पार्टिकुलर पॉइंट्स, बिकॉज आई नो यू आर गुड स्टूडेंट एंड यू आर जस्ट वॉचिंग बाय वॉचिंग ऑल बैक वीडियोज व्हाट आई हैव अपलोडेड अर्लियर। सो नाउ बस मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है मुझसे इस KR क्लासेस के माध्यम से। तो ये सारी चीजें आपको पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, काइंड्स ऑफ पार्टनर, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं या पार्टनरशिप होते हैं? साहब दो ही, एक जनरल और दूसरा लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स मतलब उनका सारा काम लिमिटेड होगा, और जनरल पार्टनर्स उनका सारा चीज अनलिमिटेड होगा। वो कितने कैपिटल आएंगे या कितने काम करेंगे, ये सारी चीजों के ऊपर उन्होंने काइंड्स ऑफ पार्टनर में बता रखा है। ठीक है, वैसे ये सब चीजें उतनी जरूरी आपको नहीं है। माइनर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि माइनर जो होता है, एक माइनर केवल प्रॉफिट के लिए ही वो फॉर्म में आ सकता है सर्वसम्मति के साथ, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ने मना कर रखा है कि वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज में अंडर द एज ऑफ 18 वो काम नहीं कर सकते। बट फिर भी अगर वो लाभ की उनकी बात होगी तो वो आ सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा केवल लाभ, वो नुकसान में कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, अरे भैया रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं है, पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो ये बेहतर होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ चीजें भेजना होता है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास। क्या क्या भेजना होता है वो चीजें आपको कुछ मैं बता रहा हूं। फॉर्म का नेम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहां पर बिजनेस हो रहा है उसका मुख्य जो जगह है वो। ठीक है, और भी अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर बिजनेस एक्टिविटीज रन होता है वो। ठीक है, और कब सारे पार्टनर आए थे वो डेट। ठीक है, द फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, द ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, ये सारी चीजें आपको एक एक करके उसमें बताना होगा, और उसे आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास भेज देंगे, वो आपके पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ठीक है, आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने कैपिटल अकाउंट पर उतनी क्लासेस नहीं लिया था, मुझे लगा था कि मैं जब एग्जांपल बताऊंगा तो आपको वो चीजें मैं बता दूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जनरली दो प्रकार के होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, आपने तो हमें कभी बताया नहीं सर। देखो साहब,
एक ही चीज़ याद रखना कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब बनेगा तो दो अकाउंट बनाया जाएगा। क्या सर? हाँ हाँ, दो अकाउंट बनाया जाएगा। एक अकाउंट होगा उसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, नाम से ऐसा नहीं लग रहा है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा? हाँ सर, नाम से तो लग रहा है। हाँ, तो वही चीज़ आपको याद रखना है कि फिक्स्ड होगा, वो नाम से फिक्स्ड होगा। ठीक है सर, तो उसमें हम क्या दिखाएंगे? केवल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल। लेकिन करेंट अकाउंट में वो सारे ही आइटम, जो भी मैंने भी बताया आपको कि सैलरी देना है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है या कोई ड्रॉइंग है, ये सारी चीज़ें काम किस में होंगे? करेंट अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल को शो करेगा। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है सर ये? हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कुछ नहीं, जो सब चीज़ें आपने फिक्स कैपिटल में पढ़ा उन सब को एक ही अकाउंट में शो कर दो। अरे भैया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो आपने बनाया था, इन दोनों को मिला करके जब आप एक बना देंगे वो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वो हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसी का नाम हो जाएगा। ठीक है, उसमें और कुछ नहीं करना होता। दरअसल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड के माध्यम से बनाएंगे तो उसमें केवल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शो किया जाता है। बस वो ओपनिंग क्लोजिंग को जब आप करेंट अकाउंट में शो कर देंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल मेथड के जगह पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है सर, समझ में तो आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हमने आपको बताया। अब आता साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो आपने कैपिटल लगाया पार्टनरशिप के अंदर में, अगर वो पैसे कहीं आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अगर आपने किसी को दे रखा होता तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता। सो आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो अमाउंट है इसको जब आप अपने पार्टनरशिप में लगाएंगे और जब प्रॉफिट होगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो ये पार्टनरशिप फर्म, चूँकि कह रहा है ना अकाउंट, तो कह रहा है कि साहब फर्म और पार्टनर्स अलग अलग हैं, तो पार्टनर्स ये कह रहा है कि साहब जब मैंने कैपिटल आपको दिया तो हमें इस पर इंटरेस्ट चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड कहता है कि ठीक है आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चर्च होंगे और वो चीज़ें आपको मिलेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं, पार्टनर्स का जो सैलरी है, कमीशन है, उस पर बात करते हैं। सैलरी कमीशन भी वही है। एक पार्टनर ये सोच रहा है कि अगर हम इस पार्टनरशिप फर्म के बाहर काम करते हैं तो हमें क्या मिलता? सैलरी मिलता। अगर हम उतने मेहनत बाहर करते तो हमें कमीशन मिलता। तो पार्टनरशिप फर्म में भी ये सारी व्यवस्था दे रखा है एक एक करके, बशर्ते पार्टनरशिप डीड क्लियर होना चाहिए और प्रॉफिट होगा तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगे। ठीक है सर, पार्टनर्स ड्रॉइंग, हाँ इस पे ज़रा सा परेशानी आपको आ सकता है। सो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और इसको मैं नोट डाउन भी करना चाहता हूँ। आप अगर मेरे साथ पेन कॉपी पे हैं तो यह आपसे मेरा गुजारिश है कि कृपा करके आप इसे नोट कीजिएगा। देखिए, याद रखिएगा, इंटरेस्ट आपको पूरा का पूरा पार्टनरशिप यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है सर, ये फाउंडेशन वालों के लिए भी काम आएगा, ये सी इंटरमीडिएट के लिए भी काम आएगा और आपके लिए तो है ही साहब, आप तो ट्वेल्थ वाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है सर, इसमें एक अहम चीज़ याद रखने वाली ये है, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा हो तो जो इंटरेस्ट आप निकालेंगे वो कुछ ऐसे निकलेगा, टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवीजन 100 से करेंगे। ठीक है सर, और बताइए, यहाँ पर जो मंथ्स आप लेंगे वो 6.5/12 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि इंटरेस्ट अगर निकालना हो और अगर ड्रॉइंग हुआ है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो आप टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 6.5/12। ठीक है सर,
अगर यह मिडिल में हो तो क्या करेंगे? सर मिडिल में होगा तो क्या करेंगे? टोटल ड्रॉइंग। क्या सर? टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड में 100 और ये आप देंगे 6/12। ठीक, ये याद रहेगा? याद रहेगा सर। तो याद रखिएगा, मिडिल में होगा तो 6/12। अगर एंड ऑफ द मंथ होगा सर, एंड ऑफ द मंथ होगा तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? वही होगा टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा और डिवाइड बाय 100 और ये जो होगा ये होगा 5.512 डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। सो काइंडली अंडरस्टैंड इट एंड लॉजिकली भी ये सही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें मैंने अभी बता दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट हैं, मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन आता है जब रामलाल क्वेश्चन कर रहा है और उसको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन साइलेंट है, वो बता ही नहीं रहा है कि बिगनिंग है या मिडिल है या एंड ऑफ द मंथ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है पॉइंट में ड्राइंग के लिए। इस ड्राइंग के लिए ना बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा है, ना मिडिल ऑफ मंथ लिखा है, ना एंड ऑफ द मंथ लिखा है। उस समय में हम क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप मिडिल मान के काम कीजिएगा, मिडिल मान करके कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है सर, ये तो आपने अच्छा बता दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने अभी बताया जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी था। पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है। मैंने कहा कि अगर डीड में चीज़ें दे रखी है तो हम डीड के हिसाब से चलेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड ने कुछ नहीं कह रखा है तो हम, अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं इस संदर्भ में कह रहा है तो हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे, हम कहेंगे कि साहब 6% तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? 6% व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, तो वैसे इंट्री में भी आप ऐसे याद कीजिए, आपको जब मैंने बताया था कि इंटरेस्ट जब पेड करेंगे कैश में तो क्या होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड इन कैश तब क्या होगा कि पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, है ना, ऐसे करके, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है दोस्त। फर्म के लिए जो भी खर्चा होगा आप उसे किस में दिखाएंगे? आप उसे शो करेंगे खर्चा के रूप में। जैसे मैंने कहा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका मतलब ये कैश जा रहा है बिजनेस से, किसके पास जा रहा है? अब देखिए, अब सोचिए किसके पास जा रहा है। हमने आपको 3 पॉइंट भी लेक्चर नंबर 3 में शायद दिया था, उसमें पूरी चीजें मैंने 3 या 2 में दिया था, उसमें पूरी चीजें मैंने क्लियर कर रखा था कि साहब 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि ये ऐसा कुछ करके आना, आपने कुछ किया नहीं, मुझे पता भी नहीं चला। तो उसका यही मिशन था कि साहब ये पार्टनरशिप और पार्टनर अलग अलग हैं। पार्टनरशिप में अगर आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो पार्टनरशिप फर्म आपको इंटरेस्ट देगा, अगर आपने लोन दिया है फर्म को तो लोन उसके बदले आपको इंटरेस्ट देगा, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप फर्म से ड्रॉइंग किया है तो आपको वो चार्ज करेगा, इसलिए वो उसका पार्टनरशिप का इनकम हो जाएगा। तो साहब मैंने लिटरली अगर पूछिए तो पूरी चीज़ें एक एक करके बता दिया और एक चीज़ छूट गया है जो आपको मैं बता दूंगा। तो लगभग मैं हमने पार्टनरशिप का सारा कंसेप्ट ख़त्म कर लिया है और मैं वो बताना चाहता हूँ आपको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सर ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जी हाँ, जब आप पार्टनरशिप का, हाँ मैं पार्टनरशिप पूरा का बात नहीं कर रहा था, पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल है, जो पहला चैप्टर है 12th वालों, ये खत्म हो जाएगा पूरा लगभग। ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको 4-5 ये लेक्चर में कवर कर रखा है। बाकी अगर प्रैक्टिकल की बात है, मैं अभी कोशिश करूंगा एक आपको एग्जांपल दे दूं और उस एग्जांपल के माध्यम से पूरे पार्टनरशिप को मैं समझाऊंगा। और अगर
आप लोगों की आवश्यकता हुआ तो हम दो तीन और क्वेश्चन कर लेंगे अगले क्लासेस में, और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल है चैप्टर उसको, फिर आगे हम बात करेंगे गुडविल हो या फिर एडमिशन हो, जो भी हो हम उसके हिसाब से आगे पढ़ेंगे। सो मैं ये कह रहा था आपको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में कि जनरली द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द रेशियो। हाँ, वो जनरली जो होता है सो पार्टनरशिप का जो डीड होता है ना उसमें आपको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस शो करेगा, ठीक है। लेकिन बाय मिस्टेक एंड अगर मान लो नहीं दे रखा है तो आप समझना इक्वली, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हम एक एग्जांपल के माध्यम से करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जो होते हैं उन्हें ज़रा सी मेहनत की आवश्यकता तो होती ही है। तो ये वीडियो मेरा कोशिश रहेगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा फंडामेंटल जो आपके पार्टनरशिप में है वो समझ में आ जाए। तो चलिए हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ सर, हम तो तैयार हैं, हम तो कब से तैयार हैं, हमें आप कभी मौका ही नहीं दिए। अच्छा ठीक है, चलो अब फटाफट हम कोशिश करते हैं कि इसे 5-10 मिनट के अंदर में इस एग्जांपल को अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। चलिए सर, सर हमें क्या करना होगा? आपको बस एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है और लिखना है। अरे भैया वीडियो का क्या हो गया यार बीच बीच में, कोई नहीं जो भी हो ठीक ही हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल है हमारा, ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप पूरे पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल है वो समझ सकते हैं। चलिए नोट कीजिएगा, ए बी सी दिख रहा है, दिख रहा है या दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ए बी सी फॉर्म है 50,000, हमें लिखना है सर। हाँ हाँ तुम्हें लिखना है मेरे भाई, लिखना है, ठीक है। तो ये आपका ए बी सी का कैपिटल हुआ, ठीक है। ए बी सी का कैपिटल लिख दीजिए आप यहाँ पर ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग सही होगा। पी एस आर भी इन्होंने बता रखा है। हाँ, पी एस आर में ध्यान रखिएगा कि अप टू 10,000, उन्होंने क्या रखा है कि अप टू 10,433। अभी जो मैंने आपको बताया याद है कि आपको शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में हमने अभी बताया था आपको कि प्रॉफिट जो शेयर करेंगे वो पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत दे रखा होगा। ये 4-3-3-3 उन्होंने बताया कि अगर 10,000 तक प्रॉफिट होगा तो हम 4-3-3 के रेशियो में बांटेंगे। एबव ऑफ 10,000, एबव 10,000 हम क्या करेंगे? इक्वली बांटेंगे, ठीक है। देखिए आपको ये एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छी तरह से सीखनी चाहिए। ये आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप रिवाइज करवा देगा, ठीक है सर। तीसरा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म लिखिए, एट द एंड ऑफ ईयर, ये एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक। कितना था मान लीजिए 40,200, ठीक। ड्राइंग, सर ड्राइंग अभी जो आपने बताया था, हाँ हाँ ड्राइंग जो पार्टनर निकालते हैं अपने निजी काम के लिए, ठीक है सर, ठीक है। तो ए ने निकाला 6,000, बी ने, सर ड्राइंग के बारे में तो आपने अच्छी तरह से चर्चा नहीं किया, कोई बात नहीं अभी हम सवाल पे आएंगे तो हम आपको बता देंगे। बस आप एक काम करो, अभी आप लिख लो, ठीक है सर मैं लिख रहा हूँ। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर कितना है? 6,000, 5,000, 3,000, ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट आप नोट कीजिए कि आपको क्या बनाना है। यू आर Required, you are required to prepare, क्या बनाना है सर? क्या क्या बनाना है इस चीज को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो पी एंड एल, appropriation अकाउंट, पी एंड एल appropriation अकाउंट, ठीक है। हाँ सर, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट एंडेड ऑफ, लिख लीजिए 31st December 1995, ठीक है।
ठीक है सर, यहाँ पर क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट लिखना है दोस्त, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, पार्टनर्स का जो कैपिटल बनता है, जिसके बारे में आपने बताया था कि दो तरह के होता है, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हाँ मेरे भाई, हाँ सर। उसके बाद अच्छा, ये आपको बनाना है किस हिसाब से, चलिए ये भी मैं लिख देता हूँ, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड। ठीक है, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड। ठीक, यहाँ पर लिखिए कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग। सर ये तो आपने कवर कर लिया। हाँ हाँ, मैंने बताया ना आपको कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगे। आफ्टर, लिखिए आफ्टर कॉन्सिडरिंग फॉलोइंग एजम्पशन। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के एजम्पशन। ठीक है सर, क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। ठीक है सर, दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा सर, ऊपर में जो ड्रॉइंग किया था वो, हाँ हाँ वही, एट द रेट 5% पर एनम। ये भी पर एनम ही है। ठीक है, उसके बाद ए क्या करता है, रिसीव करता है सैलरी। ए को मिलता है सैलरी 5000। अच्छा सर, 5000 सैलरी मिलेगा इसको पर एनम, डीड ने कह रखा है। हाँ हाँ, डीड ही तो कह रहा है ये सब सारी कहानी। अच्छा सर, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है सर, बी सी गेट कमीशन। सर लंबा हो गया सवाल, अरे भैया आप टेंशन मत लो। कमीशन एट द रेट 10% ईच ऑन द नेट प्रॉफिट, ये याद रहेगा या नहीं रहेगा, सो बताओ आप। नेट प्रॉफिट पर उनको कितना चाहिए, 10% ईच, जो दोनों हैं उनको कमीशन मिलना चाहिए। ठीक, याद रहेगा ना। हाँ सर याद रहेगा। सर अब हम क्या करें, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। सर क्वेश्चन पढ़ना होगा हमें, हाँ चलो मैं देखता हूँ इससे। सर ठीक है, आप जो बोलोगे वो करेंगे। चलो ठीक है, ए बी सी का 50, 40, 20 कैपिटल हो गया। ठीक है सर, पी एस आर इन्होंने आपको दे रखा है अप टू 4:3:3। ये हो गया आपका पी एस आर रेशियो। अगर 10,000 से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हम निकालेंगे प्रॉफिट, ऐसे ऐसे करेंगे और फिर निकालेंगे प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होगा वो जब हम पार्टनर को बांटेंगे, उसके बारे में इन्होंने कहा कि अगर 10,000 तक प्रॉफिट होगा तो आप 4:3:3 में बांट दीजिए, अगर 10,000 से ऊपर होगा तो 10,000 से जो ऊपर होंगे ना उस पर आप इक्वली देंगे। ठीक, समझ में आ गया। मान लीजिए 15,000 हुआ तो 10,000 पे तो 4:3:3 होगा और बाकी 5,000 पे इक्वली हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर, ये 40,200 रुपया आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है। सर ये नेट प्रॉफिट कैसा होगा, देखो तुमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके बाद पी एंड एल अकाउंट बनाया और उसमें जो नेट प्रॉफिट होगा वही नेट प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा, फिर सर ये प्रॉफिट के बारे में क्या कह रखा है पीएसआर? अरे भैया यही प्रॉफिट में से हम ये सारा एडजस्टमेंट करेंगे, तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वहां पर वो शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। ठीक, उनके कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है सर, अब समझ में आ गया। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर 6,000, 5,000, 3,000 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब ये आपको काम बता रहे कि आपको क्या काम करना है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। सर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, हाँ वही पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, याद है जब मैंने आपको बताया था कि ट्रेन के पीछे में लगा हुआ एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन, ये हो गया ट्रेन का डब्बा पी एंड एल जिसको हम बोलते थे, है ना, ये पी एंड एल हो गया और ये हो जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अच्छा सर क्या होगा फिर,
अरे इसमें से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया था ना, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सर वही चीज़ें होंगी। ठीक है सर, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहा है कि आपको बनाना पड़ेगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 1995। उसके बाद आएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड, ठीक, उन्होंने फिक्स के बेसिस पर बनाना, और कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग मेथड आफ्टर कंसीडरिंग फॉलोइंग एजम्पशन, इस मान्यता को ध्यान में रखने के बाद, ये मान्यता ये सब है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% परिणाम, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% परिणाम, ए रिसीव्ड सैलरी 5000 परिणाम, बी सी कमीशन मिलता है इसको 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। अब आपको बनाना है तो क्या क्या बनाना है याद रहेगा ना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर कैपिटल अकाउंट बनाना है फिक्स के आधार पर, और कैपिटल अकाउंट बनाना है फ्लक्चुएटिंग के आधार पर। सर ठीक है सर, बनाते हैं हम, चलिए बनाते हैं। ये वीडियो आपका बहुत काम का होने वाला है, इसलिए आपको अच्छी तरह से इस पर फोकस करने हैं, समझने हैं, ठीक है। चलिए तो सर हम बनाएं, हाँ बिल्कुल हम रेडी हैं, वी आर रेडी टू परफॉर्म। ओके सर, चलिए सर पहला क्या बनाएंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फटाफट आप भी बनाते चलो, हम देखते हैं कि आप पहले बनाते हैं या हम बनाते हैं। एक काम करते हैं इसके ऊपर रख देते हैं, ताकि पहले तो बनाना होगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है सर, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए फटाफट, आप इसमें लकीर खींचिए, एक लकीरें ये होंगे, ठीक है दिख रहा है आपको, एक ये होगा, और यहाँ पर पार्टिकुलर्स, यहाँ पर एक अमाउंट का कॉल्यूम दीजिए और एक यहाँ पर अमाउंट का कॉल्यूम, और ये हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, ठीक है। चलिए लिख ही दीजिए अमाउंट अमाउंट, वरना वैसे छोटी छोटी चीज़ें आप घर में कर सकते हैं, वीडियो अदरवाइज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टू, सबसे पहले टू या बाई होगा, बाई, अच्छा बाई क्या हो जाएगा, बाई होगा पी एंड एल, ये नेट प्रॉफिट जो होगा पी एंड एल का नेट प्रॉफिट, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा 40,200, ठीक है, यहाँ याद कीजिए हमने यहाँ पर जो 40,200 लिखा था, ये हो गया आपका, ठीक है। ये आया है यहाँ पर, यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालते थे ना पी एंड एल अकाउंट में, वही नेट प्रॉफिट यहाँ पर कैरिड फॉरवर्ड होकर आया है, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। कैपिटल कितना है, अब देखिए ए बी सी का, ए है बी है और सी है, वर्किंग आप यहाँ पर कीजिए, और यहाँ पर इसको अमाउंट नहीं भी लिखने से चलेगा, ठीक है, वर्किंग हो जाएगा एक तरह से। 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000 होगा, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, छोटा छोटा काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है, पर एनम 5,000, 4,000 और 2,000, ये टोटल कितना हो जाएगा 11,000, ठीक है 11,000 ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ड्रॉइंग, दूसरा नंबर ड्रॉइंग आता है, बाय ड्रॉइंग लिख दीजिए। सर ड्राइंग के बारे में आपने कुछ समझाया था, हाँ याद कीजिए, मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, वो मैंने आपको समझाया था कि देखिए यहाँ पर भी है कि अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा, एवरी मंथ होगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर ये मिडिल ऑफ द मंथ होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर एंड ऑफ द मंथ कहा जाएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट वेन एवर देयर विल नॉट बी आस्क्ड और क्वेश्चन इज साइलेंट देन मिडिल मान करके हम कैलकुलेशन करेंगे। क्या हमारे क्वेश्चन में इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर कुछ कह रखा है कि भाई बिगनिंग निकालो या एंड ऑफ मंथ निकालो या मिडिल निकालो, उन्होंने कुछ नहीं कह रखा है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाएगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और कहा गया ये फॉर्मूला मिडिल वाला, ठीक है, टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6/12 करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है या नहीं है। यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ, बाय इंटरेस्ट है ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक, हाँ सर ठीक है। ए है बी है और सी है, ए का ड्रॉइंग कितना है 6,000 है, सर आपके क्वेश्चन सामने में होंगे, मेरे पास जरा से स्क्रीन में
हो सकता है आपको शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए 6000 है, 5000, 3000 है, 6000, और इस पर कितना परसेंट दे रखा है आप जरा देखिए, इंटरेस्ट 5% है। और इसको 6 मंथ के लिए निकालेंगे, यानी कि 6/12 होगा। इसी तरह से 5000 पर भी आप निकालिए 5%, 6/12। इसी तरह से आप 3000 पे निकालिए 5%, 6/12। एंड नाउ यू विल गेट दैट व्हाट अमाउंट वुड बी, जरा कैलकुलेट कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ, आप यहाँ पर लिखिए 150, 125 और 75। ठीक है, सिंपल है, 5 × 15 यानी कि 150 का आधा कर दो, 5 × 25 250 आधा कर दो, 6 × 5 = 30 आधा कर दो, 300 का आधा 150। ठीक है सर, ये टोटल कितना हो जाएगा आप जोड़ो, 350 लिखिए। ठीक है सर, सर ये बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन, हाँ ये बिजनेस के लिए फ़ायदा हुआ, ये बिजनेस ने इतना कमाया, अब बिजनेस ने अपने पार्टनर पर जो उन्होंने ड्राइंग कर रखा था उससे उन्होंने इतना चार्ज किया ड्राइंग। ठीक है सर, अब हम निकालेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या था जरा देखते हैं क्वेश्चन। सर ये हो गया हमारा, ये हो गया, अब ये था कि ए रिसीव सैलरी, ठीक है 5000, ठीक है सर, टू सैलरी, ओके सर, कितना 5000 रुपया, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आप अपने क्वेश्चन में देखना, 5000 ही दे रहा है, सिर्फ ए को दे रहा है, हमने ए को लिख दिया। अब बी और सी को कमीशन मिलता है, बी और सी को क्या मिलता है, कमीशन, टू कमीशन, फटाफट लिखिए, यू आर वेरी क्लेवर स्टूडेंट एंड आई एक्सपेक्ट यू। ठीक है, इसमें कमीशन बी और सी का होगा, बी और सी का कमीशन कितना होगा, उन्होंने क्या रखा है कि 10% ईच। अरे 10% ईच कमीशन होगा, अब जरा सोचिए, प्रॉफिट का 10% 40200 का 10% कितना होगा, 4020 होगा, 4020 होगा, और यही होगा क्या सर, ये तो मज़ा ही आ गया, हमें तो पूरी चीज़ें समझ में आ रहा है। दोस्त आप मुझे बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, अब ये हो जाएगा 8040, आप तीनों पॉइंट आपने लिख दिया, हाँ सर लिख दिया, 3 पॉइंट तो हो ही गया था, 4 पॉइंट हो ही गया सर, पूरा का पूरा हो गया। क्या अब हम इसे पूरा का पूरा सॉल्व करें, हाँ अब इसे आप फटाफट कर दीजिए, और जो प्रॉफिट होंगे वो आप किसको ट्रांसफ़र करने वाले हैं, पार्टनर्स को। ठीक है, चलिए 40200 और 350 यानी कि 40550, अब 40000 यहाँ पर भी हो जाएगा 550। अब जो आएगा उसे आपको क्या करना है, मैं इस पेन से लिखता हूँ, ठीक है, टू प्रॉफिट शेयरिंग। वाह सर, राइटिंग तो आपका बहुत घटिया होता है, अरे वाह नालायक। हाँ तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ ए बी और सी। सर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पहले तो आप एक काम करो, इसको घटाओ, 40550 में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा जरा सोचो, जरा निकालो आप, मैं निकालता हूँ, मैं यहाँ पर निकालता हूँ, आप भी कैलकुलेट कर लेना। हाँ सोलह हज़ार पाँच सौ दस, ठीक है, ए को कितना मिलेगा, ए को मिल जाएगा 6170। और ये कैसे हम निकाले हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, देखिए, या मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, सबसे अच्छा यही होगा कि मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ, ताकि आपको क्या होगा कि आपको समझने के लिए सबसे बेहतर हो। देखिए प्रॉफिट, ये वर्किंग नोट एक तरह से समझिए आप, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड अप टू 10,000। मैंने बताया था आपको कि 4:3:3 होगा कैपिटल रेशियो, मैंने आपको ये कैपिटल रेशियो भी यहाँ पे दे रखा है, देखिए 4:3:3 है ना, तो आपको इसमें बांटना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा हो गया ए भाई साहब, बी और सी, तो इसको 4:3, 4, 3, 7, 3, 10, 4000, 3000, 4000, 3000, 3000, ठीक है, ये हो जाएगा अप टू 10000 तक। अब 6000
₹510 जो एक्स्ट्रा है एबव 10,000, जो दैट इज़ क्या हो जाएगा 6,510, इसको हम कितना में बांटेंगे, तो इक्वली बांटेंगे। अच्छा सर, इक्वली मतलब 1:1:1, मतलब ये हुआ कि 6,510 को आप कितना कर सकते हो, तो आप मतलब उसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 2170। 2170 आप कर लेना, आप खुद से कैलकुलेशन करना। मैं कभी कभी कैल से भी यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि आपका टाइम बचेगा, है ना। और लेकिन आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे आप तो नुकसान है आपके एग्ज़ाम में, कैलसी नॉट अलाउड है। 6,170 होगा, 5,170 होगा, और एक और अमाउंट आएगा 5,170 ही। सर ये अच्छा, 5,170 ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा जो कि शेयर्ड किए जाएंगे। ठीक है सर, अब तो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया पार्टनर्स कैप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अब हम एक काम करते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के बाद हम एक काम करेंगे फटाक से, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड के माध्यम से। जल्दी जल्दी से आप बनाइए फिक्स्ड, दिख रहा है या नहीं आपको? हाँ सर दिख रहा है, यहाँ पर लिख दीजिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड इसके माध्यम से आप बनाएंगे, ए बी सी तीन पार्टनर्स का बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रखिए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है सर, ये हमारा पार्टिकुलर्स का कॉल्यूम हो जाएगा, ये भी हमारा पार्टिकुलर्स का कॉल्यूम हो जाएगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल के मेथड के अंतर्गत जो है, सो कुछ भी नहीं, बस आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ पर लिख देना है टू बैलेंस सीडी। यहाँ पर केवल और केवल कैपिटल दिखाया जाता है मेरे दोस्त, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर केवल और केवल क्या दिखाए जाते हैं, कैपिटल। कितना था ओपनिंग कैपिटल सर? 50,000, ये रहा, ये देखो 50,000, 40,000 और 20,000, है ना, 50, 40 और 20। सर इसमें कुछ इंक्रीमेंट भी नहीं दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। उसके लिए हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट है ना, वो अभी बनाएंगे। हमने बताया था आपको कि दो अकाउंट बनते हैं, एक अकाउंट तो ये हो गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका नाम आप क्या देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आप इसका नाम दे सकते हैं। ठीक, अब हम आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना के दिखाते हैं फटाफट। सर इसमें हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, चलो ना कोई नहीं, हम नए पेज पे बनाएंगे। ठीक है सर, आपने कहा नया पेज, लेकिन आप तो पुराने ही पेज पे बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, तुम्हें कोई क्या जलन है मुझसे? नहीं सर, ऐसी बस। ठीक है चलो, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत ही, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत ही मेथड लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत ही दूसरा अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके सर, अब समझ में आ रहा है हमें? हाँ आपको समझ में आएगा, पूरी चीजें एक एक करके आपको समझ में आएगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या होगा, आप इसको नोट कीजिएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, जैसे फॉर्मेट तो वैसे ही बनेंगे। हाँ सर, फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये हमारा हो जाएगा पार्टिकुलर्स, ये भी हमारा हो जाएगा पार्टिकुलर्स। लगभग में आपका आज पार्टनरशिप का फंडामेंटल हमने ख़त्म कर दिया। अगले क्लासेस में हम, अगर आपकी इच्छा हो तो हम इस पर सवाल करेंगे, अदरवाइज इससे ज़्यादा क्रिटिकल सवाल आपको नहीं मिलेगा आपके जो सिलेबस है उसमें, मैंने सबसे क्रिटिकल सवाल आपको दिया। ठीक है सर, सर इसमें क्या क्या लिखेंगे? देखो ये पार्टनर का करेंट अकाउंट है, ये पार्टनर के फायदे और उनके नुकसान को दिखाएगा। सर फायदे नुकसान, हाँ, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला आपको याद है? सर याद तो नहीं है, हमें काम करते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। हाँ ये तो आपने अच्छा कहा, इससे अच्छा
पार्टनर्स का जो कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा 5,000, 4,000, 2,000। ए को मिलेगा 5,000, बी को मिलेगा 4,000 एंड सी को मिलेगा 2,000। दिस इज द थिंग व्हाट आई वांट टू से यू कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ये मिलेगा। सर आगे बताइए, आगे क्या लिखना है? पार्टनर्स को सैलरी मिला है किसी को? हाँ सर, बाय पार्टनर्स सैलरी मिला है। किसको मिला है? सर सैलरी तो केवल एक को मिला था, याद करो किसको सैलरी। आपके क्वेश्चन भी था कि सैलरी किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, ये रहा ए रिसीव्ड सैलरी 5,000। ठीक है सर, ए रिसीव्ड 5,000 सैलरी, ये रहा। तो सर हम ए में सैलरी लिख देंगे? हाँ बिल्कुल, ए में आप लिखेंगे सर, बी में नहीं, बी और सी में आप कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है सर, आगे क्या था? बाय कमीशन। सर कमीशन, कमीशन तो बी और सी को मिलना था। ठीक है, आप चेक करो, बी और सी को आपने कमीशन दिया था? हाँ सर दिया तो था, ये रहा 4,020, 4,020 बी और सी को मिला था। तो सर ए को कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, ए को तो सैलरी मिल गया तो वो सैलरी ही ले लिया। ठीक है सर, हमें तो इतना कुछ समझ में आ रहा है। ठीक, अब हम उन्हें ड्राइंग भी तो देना पड़ा था, याद करो टू ड्राइंग। सर ड्राइंग, हाँ वो इस साइड क्यों लिखी है? क्योंकि ड्राइंग खर्चा है मेरे भाई। देखो यहाँ पर ड्राइंग दे रखा है, 5% बड़े नाम, और आपने ड्राइंग के लिए एक फॉर्मूला वगैरह लगा के आपने कैलकुलेट किया था, है ना। ड्राइंग कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा 150, 125 और 75, 350। हम 150, 125 और 75। सर ये, हाँ बिल्कुल। और सर और आगे क्या करना होगा? आगे आप जरा सोचो और क्या होगा। ड्राइंग भी तो किया था, ये तो ये इसी को बना दीजिए आप, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये ड्राइंग कर दीजिए, इसको 150, 125, 75। अच्छा ड्राइंग कितना था आप जरा सोचो, ये तो लिखा ही नहीं था हमने, 6,000, 3,000, 5,000, 3,000, ये हो गया ड्राइंग। तो हमने यहाँ पर लिखा 6,000, 5,000 और 3,000। ठीक सर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके लिख दिया, क्या अब कुछ बचता है? हाँ सर बचता है, हमारे जो प्रॉफिट मिले थे वो तो आपने ही लिखे, प्रॉफिट शेयरिंग। हाँ अच्छा, तुम्हें ये भी याद है? हाँ सर, हम तो अच्छे बच्चे हैं। ये देखिए 6,170 मिला था, 5,170 मिला था, 6,170, 5,170, 5,170। ठीक है, ये हमारा टोटल हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा टोटल यहाँ पर, और जो आएगा इसको मैं किस पेन से लिखूँ, मैं ब्लैक से मार्कर से लिखना चाहता हूँ। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा सर? टू बैलेंस सीडी होगा। क्या होगा? टू बैलेंस सीडी। अब कितना होगा ये आप निकालिए, पहले आप इसको टोटल कीजिए। मेरा कैलसी कहाँ गया, मैं कैलसी पर करता हूँ, आपके टाइम बचत होंगे। इलेवन वन नाइन्टी, ठीक है, थर्टीन वन नाइन्टी लिखिए आप अपना ऐड करके लिखिएगा। आप मेरे भरोसे मत रहो, क्या तुमने दुनिया के भरोसे पैदा हुए? नहीं सर, हम तो खुद के भरोसे हुए, है ना, अपने लिए। दुनिया में सबको कुछ ना कुछ करना है। मैं आपको कभी हंसाता हूँ, कभी कुछ बोलता हूँ, कभी कुछ बोलता हूँ। इसका मिशन एक ही होता है कि आपका माइंड हमारे ओर आकर्षित रहे, आप कहीं भटके ना। अगर आप मधुबनी में हैं तो हमसे मुलाकात कीजिए, साथ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, है ना। चलिए अब आप इसको बैलेंस सीडी निकाल लीजिए, टोटल कर लीजिए। मान लीजिए 11,190 माइनस 8,115, ये हमारा हो जाएगा 8,115। इसका कितना होगा? 8,065। इसका कितना होगा?
100020। सर ठीक है, ये चीज़ें आपका निकला बैलेंस सीधी। तो सर आपने फिक्स कैपिटल के मेथड के अंतर में आपने दो पढ़ा, तो आपका जो ये था आप याद कीजिए, आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, आपने कैपिटल पार्टनरशिप अकाउंट फिक्स, और अब आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक, याद रखिएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड आप बोलते हैं तो उसमें आपको दो बनाना ही बनाना पड़ेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चलिए हम फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंतर्गत बनाते हैं। अरे भैया सच पूछो तो ये कुछ भी नहीं है, ये दोनों का समेशन है। अब मैं आपको फास्ट लिखता चलूंगा, देखिएगा इसको और इसको बस मिलाना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा है सर, फिर तो हम बना देंगे। हाँ, इसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, और इसमें ना बिल्कुल ही दोनों को ऐड करना होगा, दोनों को ऐड करना है और कुछ नहीं। सी बी ए पार्टिकुलर्स, सी बी ए, और ये हो जाएगा पार्टिकुलर्स। ठीक है सर, अब देखना कैसे मैं दोनों को एक ही करके लिखूंगा और आप भी ऐसे ही दोनों को मिला देना, बस हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग मेथड। अच्छा ये बताओ क्या हमने, अरे यार ये तो सॉरी, बाय बैलेंस बीडी लिखा था। हाँ सर हमने लिखा था यहाँ पर 50,000, 40,000, 20,000। हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 50,000, 40,000, 20,000 है ना। उसी तरह से सीडी भी लिखा था, लिखा तो था सर। चलो ठीक है, हम वो बाद में लिखेंगे। अब ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना, 5,000, 4,000, 2,000 बाय सैलरी 5,000, बाय कमीशन कितना, 4,020, 4,020। ओहो सर आप तो बड़ा फास्ट चल रहे हैं। हाँ हाँ भाई सब कुछ सीखा हुआ है। प्रॉफिट देखो 6,170, 5,170, 5,170। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर ड्राइंग लिख दो, कुछ नहीं करना था सच पूछिए तो, आपको बस दोनों को मिक्सअप करना था। ठीक है, और अब यहाँ पर लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक से लिख दीजिए ड्राइंग, कितना था 150, 125 और 75। ठीक, 150, 125 और 75। अब आता है आपका क्या, और कुछ नहीं, अब आपका आएगा बैलेंस सीडी। यही तो था, यही गेम है दोस्तों, आपको बस समझने की फेरा। सच पूछिए ये कुछ भी नहीं है सर, आपने क्या करने हैं, आप अब इसको कुछ नहीं करना है सच पूछो तो। यहाँ पर 11,190 है ना, इसमें आप इसको जोड़ दो क्योंकि ये टोटल टोटल ही कर लो। चलो मैं ही कर देता हूँ, 20,000 + 2,000 + 4,000 + 2,000 + 4,000 + 5,000 + 6,000 + 31,190 40,000 + This is the amount what I reflect you by calculating everything, 50,000, 5,000, 5,000, 6,170। ठीक है, 66,170। अब इसमें से आप माइनस कीजिए और जो बचेगा वही हमारा होगा टू बैलेंस सीडी, और यही हमारा होगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है सर, तो चलिए 31,190 में से 3,000 घटे 75 घटे तो 34,115। सर आपने ऐड सही तो किए, हाँ तो फिर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर 31 में आप 34 कैसे लिख दिए। ओहो ओहो थैंक यू, इसमें आप माइनस कीजिए बस, और कुछ नहीं करना। 33,000 माइनस होगा, 75 माइनस होगा तो 28 आएगा, सॉरी, थैंक यू।
एक बच्चे ने गलत पकड़ा था, ये हो गया ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, 53190, इसमें से 53190 में से आप इसको घटाइए, माइनस 5000 माइनस 125 48065, ठीक है सर 48065। अब तीसरा बताइए क्या होगा, 66170 में से लेस कीजिए 6125, तो 60045, इसमें से आपको ये आ जाएगा टोटल क्लोजिंग कैपिटल, इसी को हम बोलेंगे एक तरह से क्लोजिंग कैपिटल, हमारा ये कैपिटल हमारा हुआ ठीक है सर। यहाँ पर तो इतना आ गया पर यहाँ पर नहीं आया, अरे आप उसको ये हुआ ना देखो, ये आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंतर्गत आया है, किस में आया है, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर, और ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करेंट अकाउंट का आया है, और इसमें आप कैपिटल अगर जोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको 50,000 40,000 और 20,000 को जोड़ दिया, देखिए आपको खुद पता चल जाएगा 50,000 40,000 और 20,000, आप जोड़ के मुझे बता देना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, ये सारी चीज़ों को आपको जोड़ के बताना है, 50, 10, 60,000, 20 आया क्या, नहीं नहीं यहाँ पर भी 20 ही होगा, फिर यहाँ पर भी 20 ही होगा कुछ, एक मिनट 66170 माइनस 6000 और माइनस 150, देखिए है ना यहाँ पर ये सही है, ये जरा सा मिस्टेक हुआ, आपको भी तो ये पकड़ना चाहिए ठीक है। चलिए ये हो गया, अब इसको भी हम चेक ही कर लेते हैं, 40,000 प्लस 8065 क्या ये आया 48, हाँ आया, फिर आप इसको जोड़िए 20,000 प्लस 8115 क्या ये आया 28115, ये दोनों बेसिकली एक ही है, ये पार्टनर्स कैपिटल, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड आप बोल रहे होते हैं ना तो आप एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं, लेकिन जब आप फिक्स कैपिटल मेथड बोलेंगे तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पूरा वीडियो देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो है वो समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैंने कई वीडियोज़ में, पिछले 3-4 जो वीडियोज़ हैं उनमें चर्चा कर रखा है, तो ये एक तरह से आपका वाइंड अप हो चुका है, आपका फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का ख़त्म हो गया है। इस एग्जाम्पल के अंतर्गत मैंने सारी चीज़ें आपको एक एक करके रखा, अब 2 मिनट और समय मैं दूंगा आपसे, और इसमें आप ज़रा सा देखिए, इसको मैं हटा देना चाहता हूँ, इसमें देखिए कि कैपिटल दे रखा है, PSR कैलकुलेट करना आपने सीख गया, नॉर्मली आपको 10 क्वेश्चन तो सबसे पहले आपको PSR नॉर्मल वाला आपको ये PSR पे रेशियो पे निकालना होगा, तो हमने कहा कि एक तो रेशियो पर आप निकाल लो और एक जब इक्वली होता वो भी निकाल लो, तो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन टाइप के तो इसी में कवर हो गए। नेट प्रॉफिट फर्म का दे रखा है, ड्रॉइंग भी दे रखा है, ड्रॉइंग कैलकुलेट करना हमने आपको बता दिया कि अगर एट दी बिगनिंग हो, बस फार्मूला का फर्क होगा, ये फार्मूला आप लगा देना, जो फार्मूला आप लगाओगे वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा, बिगनिंग दे रखा होगा आप ऐसे करके ये फार्मूला लगा देना, अगर आपको एंड ऑफ द मंथ दिया होगा तो ये फार्मूला लगा देना, बस ये आपको अंतर रहेगा ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ड्रॉइंग पर कवर कर रखा है। फिर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको बताया कि कैसे बनाना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने बताया कि नेट प्रॉफिट का बस और कुछ नहीं, इसी का विभाजन किया जाता है, इसी को हम बांटते हैं, इस 40,200 में से हमने इधर बांट दिया, इस 40,200 में से हमने इधर बांट दिया, इस 40,200 में से हमने इधर बांट दिया, जो बचा, जो ये अमाउंट बचा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स हु आर रनिंग द फर्म, ये अप्रोप्रिएशन हो जाएगा, फिर ये प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। फिर हमने कहा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उनको ये प्रॉफिट उनके कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा, उनका टोटल संपत्ति बन जाएगा। तो हमने आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत जब आप बनाएंगे तो उसमें और कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपको कैपिटल अमाउंट शो करना होता है और ये फिक्स्ड होता है, नाम भी है फिक्स,
और उसमें जो करेंट अकाउंट दूसरा बनता है, फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये करेंट अकाउंट में ये सारे प्रोविजन किए जाते, काम किए जाते हैं, जिसमें हमने बताया कि ये सारा काम जितना है ये पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, उनका इनकम है, उन्होंने जितना काम किया है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो सारा इनको इसमें मिल जा रहा है। ये सारी चीज़ें उनके कैपिटल को बढ़ाएगा। आप देखिए ये सारे इनको मिला, ये सारी चीज़ों को घटा दिया, इन जितना मिला उसमें से हमने इसको घटा दिया, फिर जो आया होगा वो उनके कैपिटल को बढ़ाएगा। तो ये कैपिटल मैंने ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता दिया कि ऐसे करेंगे, वैसे करने की ज़रूरत है नहीं चूँकि ये मेथड है। फ्लक्चुएटिंग मेथड सबसे बढ़िया, इसमें आपको कोई दो अकाउंट नहीं बनाना होता, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और इसमें देखिए आपने बाय बैलेंस बीडी आपने वही चीज़ें लिख दिया और इसके बाद सारा जो जो इनको मिलने वाला है ये सारी चीज़ें एक एक करके आपने लिख दिया, ये सारा पार्टनर्स का आ जाएगा, उनके अकाउंट के क्रेडिट बढ़ाएगा और उसमें से जो घटेगा ये घटेगा और फिर बाद में कि उनके क्लोजिंग कैपिटल को रिफ्लेक्ट करेगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर वो उन्होंने कितना कमाया। ठीक है, आज आपको खुश होना चाहिए, आपने केआर क्लासेस में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वो आपने पढ़ लिया अच्छी तरह से। ठीक है, ये आज वीडियो बहुत लंबा हुआ है इसीलिए मैं अगला वीडियो फिर नहीं बनाना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गया होगा, मेन होता है कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन डू एवरी क्वेश्चन। ये हो सकता है कि ज़रा सा क्वेश्चन में अलग हो सकता है जरा सा परेशानी हो, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को मैं अब वाइंड अप कर रहा हूँ, चैप्टर एंड है। अगले चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा गुडविल होगा या फिर एडमिशन होगा, वो चीज़ें जब हम स्टार्ट करेंगे उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का ये चैप्टर एंड है, लेक्चर नंबर 5 के अंदर।